खेत में बाजरा लगाने के लिए। तो ये बाजरा ले लिया है कुंडे में, खेत से उपाड़ के लेके आए हैं और खेत में लगाने जा रहे हैं। वहाँ पर घास बहुत ज़्यादा था और बाजरा बहुत कम था, तो हमने बाजरा उपाड़ लिया है, दूसरी जगह लगा देंगे बाजरे को। आज का मौसम बहुत अच्छा है, अभी 8 बज चुके हैं लेकिन धूप का कहीं पर नाव भी नहीं है, बहुत सुनहरा मौसम है, ठंडा ठंडा। और हमारी बच्चा पार्टी भी आ गई है हमारे साथ खेत में काम करवाने के लिए। आज सृष्टि की भी स्कूल की छुट्टी थी, वो भी स्कूल नहीं गई है। अभी रेखा पानी और एक खसिया लेके आ गई है। अब हम इस कसी की सहायता से यहाँ पे खड्डा खोद के बाजरा को यहाँ पे लगा देंगे और फिर उसमें पानी डाल देंगे। इधर लगा रहे हैं हम बाजरा, ये देखो कसिया से खोद रहे हैं अभी। यहाँ पर पानी भर जाता है, बारिश होती है तो बाजरा बीजा था वो नहीं उग पाया। यहाँ पर देखो पूरी खाली ज़मीन पड़ी है, तो हम इधर से बाजरा लेके आ गए हैं और अभी यहाँ लगा देंगे खोद के, तो हमारा बाजरा हो जाएगा। यहाँ पर खाली ज़मीन नहीं रहेगी बिल्कुल भी। और इधर बच्चे भी आ गए हमारे साथ, देखो ये भी लगा रहे हैं। सृष्टि भी खूब काम कर रही है खेत में, बाजरा लगाएगी अभी। ये पानी भरने से हमारी ज़मीन है वो बहुत हार्ड हो जाती है, सूख जाती है, तो कसिया अंदर जा भी नहीं पाता है। अभी थोड़ी गिल्ली है तो खुद रही है। सृष्टि काम करो प्लीज, मुझे चॉकलेट चॉकलेट मिलेगी। अभी चाचू जाएगा ना तोर मुंगा। बहुत दम्मा लगाना पड़ता है इसको खोदने के लिए। हम इधर हम बाजरा लगाने का काम हो रहा है। सारी जगह बादल ही बादल हो रहे हैं, ऊपर देखो आसमान में बादल ही बादल हो रहे हैं, तो हमारा बाजरा अच्छा लग जाएगा। अगर बारिश हो जाए तो और ही मजा आ जाएगा ना। हाँ, क्योंकि हमें इसको पानी नहीं देना पड़ेगा। थोड़ी सी पास में आजा सृष्टि। हाय फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और रायते और कड्डी इनके साथ में बहुत अच्छी लगती है। आजकल लोग बाजरे की रोटी कम पसंद करते हैं, पहले के लोग बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा खाते थे और अभी ज़्यादा गेहूं की रोटी खाते हैं, इसीलिए सारे लोग ज़्यादा बीमार होने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, बाजरे की रोटी सबको खानी चाहिए, बाजरे में कैल्शियम होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहती है बाजरे की रोटी। एक टाइम तो ज़रूर खानी चाहिए दही के साथ में। सुबह जब हमारे गाँव में कलेवा करते हैं तो हम तो बाजरे की रोटी खाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है और बच्चों को भी खिलाते हैं। चाची को भी सही होने दीजिए। ठीक, अब चलो वीडियो बना लेते हैं। अब साहब और साथ दे। ये देखो फ्रेंड्स, इधर बाजरा का काम हो रहा है। थोड़ी थोड़ी तो मैंने भी बाजरा लगा दी है।
नहीं आती। ये हमारे बाजरे लगा चुके हैं हम और ये थोड़े से बच गए। दीदी इधर चाची भी लगा रही है, मम्मा तो वो लगा रही है। ये देखो चाची ने बहुत सारे लगा दिए हैं, मम्मा ने भी बहुत सारे लगा दिए, अभी मैंने तो थोड़े ही लगाए। मम्मा तो अभी छोटी है ना। चलो इधर मम्मा बाजरा का काम करिए। इधर बाजरा लगाने था तो हम लगाएंगे। आपा बताई दीजिए तो बाजरा लगाने का काम हो गया है, अब इसमें पानी देने का काम कर रहे हैं। ताकि हमारा बाजरा लग जाए अच्छे से पूरा। अभी सबके पानी नहीं मिला है तो घर जाके और लेके आएंगे पानी। ये देखो हमारे पास में जो खेत है उसमें बहुत अच्छा बाजरा है, ये थोड़े दिन पहले का है तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। और अभी ये लेके जा रहे हैं, बच्चे भी बहुत सारा काम करना है, गायों को पानी पिलाना है, खाना बनाना है, बच्चों को मिलाना जुलाना है, अभी बहुत काम पड़ा है। आज हमने सोचा सुबह का मौसम अच्छा था तो बाजरा भी लगा दिया और साथ में वीडियो भी बना लिया, दो काम एक साथ हो जाए। अभी गाय को लाने जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए, अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकली है तो इनको छांव में बांध देते हैं। गाय को लेके आएंगे पानी पिलाएंगे उसको। गाय को प्यास लगी है, जल्दी कर रही है पानी पीने की। ये यहाँ पर पानी की खेली बनाई हुई है, इसमें गायों के लिए ही पानी रखते हैं। गाय पी रही है अभी पानी। चप चप गाय को बांध दिया है और यहाँ पर खा लेगी ये कच्ची कच्ची घास। ये हमारी देसी गाय है और ये हमारे बच्चे हैं जो इस गाय को घुमा रहे हैं इधर उधर, इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये हमारी देसी गाय बहुत अच्छी है। ये देखो सृष्टि पीछे से गाय को घेर रही है और आरू पता नहीं गाय को कहाँ लेके जा रही। बेटा घास में बांध दो इसको, आरू कहीं घास में बांध दो इसको। ओ माँ।
आरू की गाय भाग गई है और आरू गाय को डांट रही है, ये देखो।